केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंडी व्यापारियों के दो दिनों के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के निर्णय से जिले की सभी चारों मंडियों में दो दिनों के लिए कामकाज ठप हो गया है। हरदा की मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से खरीदा गया लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान में रखा हुआ है। जिले की सभी मंडियों में लगभग 1 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं रखा हुआ है। जिला मुख्यालय की कृषि मंडी में प्रतिदिन औसत 20,000 क्विंटल से अधिक की आवक हो रही थी। वहीं चारों मंडियों को मिलाकर जिले में कुछ आवक 40,000 क्विंटल के आसपास हो रही थी। इस अनुमान के मुताबिक जिले की चारों मंडियों में मंगलवार और बुधवार को व्यापारियों के नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं होने से करीब 40 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मंडी व्यापारी संघ के संरक्षक अशोक कुमार सादानी का कहना है कि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा, साथ ही किसानों को भी नुकसान होगा। जो माल पहले मंडी में 2,100 से 2,300 तक बिक रहा था, अब वो 1,800 से 1,900 तक ही बिकेगा। उन्होंने बताया कि कांडला बंदरगाह पर करीब 1,000 गेहूं से भरे ट्रक खड़े हैं। उनका अनुबंध भारत सरकार ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे व्यापार की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। मंडी पर अशोक कुमार सादानी, व्यापारी संघ संरक्षक। मंडी में माल पड़ा है, मंडी बंद है, क्या कारण है? मंडी बंद तो निर्यात के कारण मंडी बंद रखी है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही थी निर्यात को, वो अचानक ही 13 तारीख को उन्हें बैन लगा दिया निर्यात। मंडी में व्यापारियों का लाखों टन माल पड़ा है, मतलब ऑल MP। हरदा मंडी में करीबन मंडी प्रांगण में 2.5 से 3 लाख कुंटल व्यापारियों का वेयर हाउस और प्लस मंडी जो कि स्टॉक है, और उसमें आज कम से कम 200 से 250 रुपये कुंटल की मंदी है। इस तरह काफ़ी मोटा नुकसान व्यापारियों का भी है अभी फिलहाल में, पर आगे जो मंडी 2100 से 2300 बिक रही थी, और अब जो बिकेगी अंदाजन 1,850 से 2,000 रुपये, तो उसमें अब किसानों का नुकसान। तो ये ट्रांसपोर्ट जो माल पड़ा रुका पड़ा है अपना, हाँ, होगा वो भी करीबन हरदा जिले का होगा, 100-125 गाड़ी से। कितने कुंटल बोलेंगे? 4,000 टन के आसपास।